उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से बुंदेलखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन वह बुंदेलखंड के जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने चित्रकूट से औरैया तक बनने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बारीकी से निरीक्षण किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा, जब वो 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बुंदेलखंड दौरे पर आए थे। उस समय प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह थे, जिन्होंने बुंदेलखंड के विकास के लिए अच्छी योजना तैयार करने की बात कही थी और तब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई थी। और आज मुझे खुशी है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, बुंदेलखंड में विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा, यमुना पर सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है जो पहले 6 से 7 वर्षों में पूरा होता था, पर आज 6 से 7 माह में पूरा बनकर तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा जो बुंदेलखंड उपेक्षित रहा है, जिस बुंदेलखंड के विकास के बारे में पिछली सरकारों की कोई सोच नहीं थी, यहां के प्राकृतिक संसाधनों का पिछली सरकार ने जमकर दोहन किया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर बुंदेलखंड के विकास के लिए काम कर रही है। बुंदेलखंड में पेयजल और कनेक्टिविटी की समस्या थी, साथ ही उद्योगों की समस्या भी थी, जिसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दूर कर रही है। आज बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, एक चित्रकूट और दूसरा झांसी और ललितपुर के बीच में। वहीं डिफेंस कॉरिडोर को भी बुंदेलखंड में लाया जा रहा है। साथ ही स्वच्छ पानी के लिए हर घर हर जल नल योजना लागू की जा रही है, जिससे यहां के लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए यहाँ की जनता ने जमीन दी, मिट्टी दी, गिट्टी दी, जिससे यहाँ 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, यहाँ जितना विकास होगा उतने रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के साथ कुछ जमीन इसलिए अर्जित कर ली है जिससे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र को लगाया जा सके। यहाँ आने से लोग पहले डरते थे, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने से यहाँ का विकास होगा। साथ ही यहाँ पर पचनत पर बैराज बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ पर एक पर्यटन स्थल बनाया जा सके। इस बैराज के बनने से यहाँ पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पेयजल और सिंचाई के लिए भी लोगों को मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 15,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत से बनाया जा रहा है। दरअसल एक्सप्रेसवे सरकार के डीम प्रोजेक्ट्स में से भी एक है। 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली को भी जोड़ेगा। यूपी जालौन से अनज कौशिक की रिपोर्ट।